हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलो तो मैं अच्युत गुप्ता आज आपके साथ चैप्टर नंबर 9 रिवाइज करूंगा, जिसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। तो इस चैप्टर में हम क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, उसका एक फास्ट ओवरव्यू देख लेते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, रिस्क के क्लासिफिकेशंस और उसके टाइप्स के बारे में। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को हम समझेंगे, फ्रॉड रिस्क क्या होती है और किस तरह से मैनेज करनी चाहिए उसे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। रेप्यूटेशन रिस्क क्या होती है, बिजनेस को किस तरह से अफेक्ट करती है और अगर मैनेज नहीं की तो बिजनेस पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो इसके मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। रिस्क मैनेजमेंट में एक कंपनी सेक्रेटरी के क्या रोल्स हो सकते हैं उन्हें हम समझेंगे। इंटरनल कंट्रोल्स क्या होते हैं और रिस्क मैनेजमेंट में इंटरनल कंट्रोल्स की क्या रेलिवेंस है उसे हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और लास्ट, इंटरनल कंट्रोल्स के लिए कोसो ने क्या फ्रेमवर्क, गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स प्रोवाइड किए हैं उसे हम इस चैप्टर में रिवाइज करेंगे। तो हम चैप्टर को रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 9, रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। तो सबसे पहले हम समझते हैं रिस्क क्या होती है। देखो, किसी भी बिजनेस को उसके ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में जो भी फैक्टर्स रुकावट पैदा करते हैं वो सब कहलाते हैं रिस्क। वो सभी फैक्टर्स उस बिजनेस के लिए बन जाते हैं रिस्क। तो आज की तारीख में कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो कि बिना रिस्क के एग्जिस्ट कर सकता हो। रिस्क हैज बिकम एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ बिजनेस। तो क्या क्या रिस्क एक बिजनेस फेस कर सकता है? ऑपरेशनल रिस्क, गवर्नमेंट रिस्क, कंप्लायंस रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, लीगल रिस्क, ये सभी रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क क्या होती है? अगर बिजनेस के कोई सिस्टम में फेलियर हो गई, बिजनेस के ऑपरेशंस नहीं हो पा रहे, लेबर्स ने स्ट्राइक कर दी, जो बेसिक रॉ मटेरियल है कंपनी का वो सप्लाई नहीं है मार्केट में, उसकी सप्लाई शॉर्ट हो गई, तो ये सब कहलाती है ऑपरेशनल रिस्क। कंप्लायंस रिस्क क्या होती है? कोई लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस कंपनी के ऊपर अप्लाई होते हैं और उस कंपनी ने उन रूल्स और रेगुलेशंस को कंप्लाई नहीं किया और नॉन कंप्लायंस से जो पेनल्टीज और जो एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस कंपनी के ऊपर आने वाले हैं वो सब कहलाती है कंप्लायंस रिस्क। इस तरह से हम सभी रिस्क को एक आगे इस चैप्टर में डिटेल में समझेंगे। तो चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन पार्ट में, रिस्क इज एन इनहेरेंट कॉम्पोनेंट ऑफ बिजनेस, विदाउट रिस्क देयर आर नो प्रॉफिट्स। हम सभी जानते हैं नो रिस्क नो प्रॉफिट। डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क एग्जिस्ट लाइक कंप्लायंस रिस्क, लीगल रिस्क, कंट्री रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क एटसेट्रा। इन सभी को हम डिटेल में समझेंगे आगे। रिस्क नीड टू बी कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड इन अ बेटर वे टू एंश्योर द सर्वाइवल, वायबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। अगर बिजनेस की सर्वाइवल चाहिए, वायबिलिटी चाहिए, सस्टेनेबिलिटी चाहिए, तो जो बिजनेस पे रिस्क आ रही हैं उन्हें एक बेटर मैनर में सही तरीके से कंट्रोल और मैनेज करना बहुत जरूरी है, वरना कंपनी की सर्वाइवल को नुकसान हो सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? देखो, रिस्क को मैनेज तब करेंगे जब हमें सबसे पहले पता चलेगा कि रिस्क क्या है एक बिजनेस के लिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो जाती है रिस्क मैनेजमेंट में? रिस्क को आइडेंटिफाई करना। उसके बाद हम ये देखेंगे कि उस पर्टिकुलर रिस्क से हमारे बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ने वाले हैं, वो रिस्क हमारे बिजनेस को क्या फर्क पड़े, हमारे बिजनेस को किस तरह से अफेक्ट करेगी, हम उसे देखेंगे। और बाद में हम समझेंगे कि इस रिस्क को मैनेज किस तरह से मैं करूं। तो ये सब प्रोसेस कहलाते हैं रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है टू आइडेंटिफाई, इवेल्युएट एंड असेस दी। किसे आइडेंटिफाई, इवेल्युएट और असेस करना है? इनहेरेंट एंड पोटेंशियल रिस्क को इन अ सिस्टमेटिक मैनर। और क्यों करेंगे हम रिस्क को आइडेंटिफाई और असेस? क्यों करेंगे? टू मिनिमाइज लॉसेस एंड मैक्सिमाइज अपॉर्चुनिटीज। लॉसेस को मिनिमम करना, उन्हें मिटिगेट करना और उससे जनरेट होने वाली अपॉर्चुनिटीज को मैक्सिमाइज करना फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। तो ये क्या पढ़ा हमने? रिस्क मैनेजमेंट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क। तो रिस्क को किस तरह से क्लासिफाई करेंगे? रिस्क को हम क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी। क्या वो रिस्क कंट्रोल की जा सकती है? क्या वो रिस्क अवॉइड की जा सकती है? क्या वो रिस्क सिर्फ हमारे बिजनेस के ऊपर अप्लाई होती है, हमारी कंपनी के ऊपर अप्लाई होती है?
या पूरे मार्केट पूरी इंडस्ट्री के ऊपर अप्लाई होती है। इस तरह से हम रिस्क को किन दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, सिस्टमेटिक रिस्क एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क जो कि सिस्टमेटिक है पूरी इंडस्ट्री के ऊपर अप्लाई होगी, अगर वो रिस्क जनरेट हुई तो सभी कंपनीज पूरी इंडस्ट्री या पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करेगी, उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हम कोई भी रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स अप्लाई कर दें, हम उस रिस्क को कंट्रोल या अवॉइड नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ अनसिस्टमेटिक रिस्क वो जो कि सिर्फ हमारी कंपनी को हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती है, हमारी फेलियर्स या हमारे जो कमियां हैं सिस्टम में उसकी वजह से हमें हमारे बिजनेस के ऊपर आती है, तो उसे हम प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीजर्स अप्लाई करके प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स अप्लाई करके मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रिस्क में बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी एज फॉलोज। द फर्स्ट वन इज सिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क इज अनकंट्रोलेबल बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। नॉट प्रेडिक्टेबल। सिस्टमेटिक रिस्क कब आ जाएगी आपको पता नहीं चलेगा, पहले से आप इसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मैक्रो इन नेचर। किसी छोटी एरिया में या किसी पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं होगी, ये पूरी इंडस्ट्री के ऊपर या पूरी इकोनॉमी के ऊपर एक साथ अप्लाई होगी। इट इज मैक्रो इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट इज इट अफेक्ट्स अ क्लास और इंडस्ट्री और इकोनॉमी एज अ होल। पूरी एक क्लास को या पूरी इंडस्ट्री या पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करती है सिस्टमेटिक रिस्क। डिपेंड्स ऑन अनकंट्रोलेबल एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये किसके ऊपर डिपेंड होती है? अनकंट्रोलेबल एक्सटर्नल फैक्टर्स। वो एक्सटर्नल फैक्टर्स जिनके ऊपर बिजनेस के मैनेजमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता, वो बिजनेस के मैनेजमेंट के अप्रोच के आउटसाइड होते हैं, तो उन्हें कंट्रोल या मैनेज नहीं किया जा सकता। तो सिस्टमेटिक रिस्क के एग्जांपल्स समझते हैं हम क्या है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट रिस्क। मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशंस होते हैं और होते ही हैं, तो उन्हें बिजनेस का मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं कर सकता। वो होते आ रहे हैं और होते रहेंगे और पूरी इंडस्ट्री के ऊपर अप्लाई होती है इंटरेस्ट रेट रिस्क। ठीक है, तो ये क्या होती है, एक सिस्टमेटिक रिस्क का एग्जाम्पल, जैसे कि मार्केट रिस्क, परचेजिंग पावर रिस्क। तो ये सब क्या पढ़ी हमने, सिस्टमेटिक रिस्क। नेक्स्ट वन इज अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होती है, विच इज कंट्रोलेबल बाय ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन जिसे कंट्रोल कर सकता है, अवॉइड कर सकता है, इसे हम बोल सकते हैं अवॉइडेबल। प्रेडिक्टेबल, जो कि पहले से पता की जा सकती है, बिजनेस पहले से पता कर सकता है अपने टेक्निक्स अप्लाई करके और उसे पहले से मैनेज कर सकता है। माइक्रो इन नेचर, सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर बिजनेस या उस इंडस्ट्री सॉरी या उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अप्लाई होती है। अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क कैन बी मिटिगेटेड विद प्रॉपर प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट टेक्निक्स। अनसिस्टमेटिक रिस्क को अवॉइड किया जा सकता है, मिटिगेट किया जा सकता है विद प्रॉपर प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट टेक्निक्स के थ्रू। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क के, जैसे कि बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क होती है जो कि एक पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर आती है, जैसे कि सप्लायर्स ने सप्लाई करना बंद कर दिया, मार्केट में कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस चेंज हो जाना, ये एक पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर है, ये पूरी इंडस्ट्री के ऊपर नहीं है। लिक्विडिटी रिस्क, हमारी कंपनी के पास लिक्विड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, कैश नहीं है जो कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को फुलफिल कर पाए। फाइनेंशियल रिस्क, क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क होती है जो भी काउंटर पार्टी है उसका फेलियर हो जाना, वो पेमेंट करने से मना कर दे, या ऑपरेशनल रिस्क, हमारे सिस्टम में फेलियर, लेबर स्ट्राइक, कोई मशीन खराब हो गई, सप्लायर ने हमारा रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने से मना कर दिया। तो ये सब एक बिजनेस के ऊपर अप्लाई होती है और इन्हें अवॉइड किया जा सकता है थ्रू प्रॉपर रिस्क असेसमेंट टेक्निक्स। तो ये हमने समझी रिस्क के क्लासिफिकेशंस, सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिस्क। रिस्क के टाइप्स किस तरह से हम पढ़ेंगे, रिस्क दो तरह की होती है, एक फाइनेंशियल रिस्क और दूसरी नॉन फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क वो जिसका कंपनी के ऊपर कोई ना कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट हो। These are risks which have some financial impact on the business. Various types are. तो financial risk के types क्या क्या हैं? सबसे पहली market risk। Market में जो भी fluctuations होते हैं, जो भी
उतार चढ़ाव होते हैं वो बिजनेस को किस तरह से अफेक्ट करते हैं, उनसे बिजनेस को क्या लॉसेस होने के चांसेस हैं, वो सब होती है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क किस तरह की हो सकती है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स में चेंज होना, करेंसी रेट्स में चेंज होना, इक्विटी की प्राइस में चेंज होना, मार्केट इंडेक्स में अप्स एंड डाउन होना, कमोडिटी की प्राइसेस चेंज होना, ये सब कहलाती है मार्केट रिस्क। तो पढ़ते हैं, दिस रिस्क इज एसोसिएटेड विद मार्केट अप्स एंड डाउन। रिस्क ऑफ लॉस अराइजिंग टू अ फर्म ड्यू टू एडवर्स चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट्स, करेंसी रेट्स, इक्विटी प्राइसेस एंड कमोडिटी प्राइसेस। तो ये है मार्केट रिस्क। जैसे कि नंबर वन, इंटरेस्ट रेट रिस्क। एनी इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ बॉन्ड्स एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड वाइस वर्सा। अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगी तो बॉन्ड्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, डिबेंचर्स, इनकी रेट्स कम होगी। मतलब क्या है, एक एडवर्स रिलेशनशिप है। अगर रेट इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी, इनकी बॉन्ड्स डिबेंचर्स की प्राइसेस कम होंगी। अगर इंटरेस्ट रेट कम होंगी तो बॉन्ड्स डिबेंचर्स की प्राइस बढ़ेंगी। तो इंटरेस्ट रेट एक बिजनेस को किस तरह से अफेक्ट करती है, एडवर्सली, इनवर्सली। इंटरेस्ट रेट रिस्क एडवर्सली या इनवर्सली अफेक्ट्स वैल्यू ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। नेक्स्ट वन इज करेंसी रिस्क। नेक्स्ट मार्केट रिस्क क्या है, करेंसी रिस्क। करेंसी में अगर उतार चढ़ाव होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंटरनेशनल ऑपरेशंस में एंगेज्ड है, अगर वो इंटरनेशनली ट्रांजेक्शंस करती है, तो करेंसी में जो फ्लक्चुएशंस होंगे वो उस बिजनेस को, उस कंपनी को किस तरह से अफेक्ट करेंगे, वो कहलाती है करेंसी रिस्क। दीज रिस्क अराइजेस ड्यू टू द वोलेटिलिटी इन करेंसी रिस्क, करेंसी रेट्स। फर्म्स एंगेज इन इंटरनेशनल ऑपरेशंस गेट्स अफेक्टेड। एंड नेक्स्ट वन इज इक्विटी रिस्क। मार्केट इंडेक्स जो है उसमें जो उतार चढ़ाव होते हैं, जैसे कि सेंसेक्स और निफ्टी, वो उससे इक्विटी की प्राइसेस में जो उतार चढ़ाव होगा वो एक बिजनेस को क्या, किस तरह से अफेक्ट करेगा, वो कहलाती है इक्विटी रिस्क। इक्विटी रिस्क इज द रिस्क ऑफ डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक कंपनी के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में डिक्रीमेंट होना, गिरावट होना, किस वजह से, ड्यू टू डे फ्लक्चुएशंस ऑफ मार्केट इंडेक्स। मार्केट इंडेक्स में डे टू डे फ्लक्चुएशंस की वजह से वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में गिरावट होना, ये कहलाती है इक्विटी रिस्क। और इसे हम किस तरह से डिनोट करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं बीटा से, डिनोमिनेटेड एज बीटा। ये इक्विटी रिस्क का सिंबल है। नेक्स्ट रिस्क इज कमोडिटी रिस्क। रिस्क ड्यू टू चेंज इन कमोडिटी प्राइसेस। कमोडिटी की प्राइसेस की वजह से जो रिस्क अराइज होती है वो कहलाती है कमोडिटी रिस्क। नेक्स्ट फाइनेंशियल रिस्क है क्रेडिट रिस्क। हमने मार्केट रिस्क पढ़ी, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रेडिट रिस्क। बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, कई पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, कुछ सप्लाई करेंगी, कुछ पेमेंट करेंगी, तो कोई भी पार्टी अगर एक डिफॉल्टर हो जाए, इसके बहुत चांसेस होते हैं। कोई पार्टी पेमेंट करने से मना कर दे, कोई पार्टी सप्लाई करने से मना कर दे, कुल मिला के हम कह सकते हैं कोई पार्टी ने डिफॉल्ट कर दिया, तो डिफॉल्ट होने के जो चांसेस हैं वो कहलाते हैं क्रेडिट रिस्क। इट इज द रिस्क ऑफ काउंटर पार्टी बिकमिंग अ डिफॉल्टर। काउंटर पार्टी जो है वो डिफॉल्टर बन जाए, इस रिस्क को कहते हैं क्रेडिट रिस्क। इट अराइजेज व्हेन अ काउंटर पार्टी इज अनेबल और अनविलिंग टू फुलफिल देयर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस। जब काउंटर पार्टी या जो अदर पार्टी है टू द कॉन्ट्रैक्ट इज अनेबल, वो कर नहीं सकती, एंड अनविलिंग, करना नहीं चाहती, क्या, अपने कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल। ठीक है, तो ये हमने क्रेडिट रिस्क पढ़ी। नेक्स्ट वन इज लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी क्या होती है, जब कोई बिजनेस अगर लिक्विड फंड से या करंट एसेट से अगर शॉर्ट हो जाता है और अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज या अपनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर सकते, तो उनके ऑपरेशंस, जो उनके करंट ऑपरेशंस हैं, वो परफॉर्म नहीं हो पाएंगे, और इस तरह की रिस्क को कहते हैं लिक्विडिटी रिस्क। दिस इज द रिस्क ऑफ एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट फंड्स इन द मार्केट, अनेबिलिटी टू मेक पेमेंट ऑफ प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस। ठीक है, और लिक्विडिटी रिस्क के टाइप्स क्या क्या हैं, ट्रेडिंग रिस्क। ट्रेडिंग रिस्क क्या होती है, इनएबिलिटी टू एंटर इनटू ट्रेड ट्रांजैक्शंस। हम ट्रेड ट्रांजैक्शंस में एंटर ही नहीं कर सकते, हम ट्रेडिंग ही नहीं कर सकते, कि नहीं, रेस्ट्रिक्शंस या प्रोहिबिशंस या कुछ रुकावट की वजह से, वो कहलाती है ट्रेडिंग रिस्क।
और दूसरी होती है फंडिंग रिस्क, इनएबिलिटी टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, हम हमारी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहे, वो कहलाती है फंडिंग रिस्क। तो हमने मार्केटिंग मार्केट रिस्क पढ़ा, क्रेडिट रिस्क पढ़ा, लिक्विडिटी रिस्क पढ़ा, नेक्स्ट वन इज ऑपरेशनल सिस्टम या मैनेजमेंट रिस्क। क्या होता है ऑपरेशनल सिस्टम या मैनेजमेंट रिस्क? अराइजेस ड्यू टू इनएडिक्वेट सिस्टम्स, सिस्टम फेलियर्स एंड मैनेजमेंट फेलियर ऑन अकाउंट ऑफ कोऑर्डिनेशन और फॉल्टी कंट्रोल। तो ऑपरेशनल रिस्क किस वजह से अराइज होती है? हमारे सिस्टम में फेलियर की वजह से, या लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजरियल एक्टिविटीज, या मैनेजमेंट के फेलियर की वजह से, या फिर मैनेजमेंट में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है, या फॉल्टी कंट्रोल प्रोसीजर अप्लाई किए हैं, मतलब कुल मिला के मैनेजमेंट की कमियों से और इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी की वजह से जो हमारे ऑपरेशंस में रिस्क अराइज होती है वो कहलाती है ऑपरेशनल या मैनेजमेंट रिस्क। तो अराइजेस ड्यू टू इनएडिक्वेट सिस्टम्स, सिस्टम फेलियर्स एंड मैनेजमेंट फेलियर्स ऑन अकाउंट ऑफ कोऑर्डिनेशन और फॉल्टी कंट्रोल। इट कैन बी डेल्ट बाय क्लियर सेपरेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल। इसे कैसे डील किया जा सकता है? बाय प्रॉपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब एलोकेशन, रेस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रॉपरली एलोकेट किया है, सेपरेट किया है और स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल्स अप्लाई किए हों, तो ऑपरेशनल रिस्क को मैनेज, मिटिगेट और कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज लीगल रिस्क। लीगल रिस्क क्या होता है? अगर कोई कंपनी को ऑथोरिटी नहीं है किसी ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होने की, लीगली परमिसिबल नहीं है किसी भी बिजनेस को किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होने की, फिर भी अगर वो इन्वॉल्व होते हैं तो लीगल रेगुलेटरीज का हमारे बिजनेस में इंटरवेंशन बढ़ जाएगा। वो हमसे बार बार कंप्लायंस के लिए नोटिस सेंड करेंगे, हमें पेनल्टी चार्ज करेंगे, तो ये सब कहलाती है लीगल रिस्क। इट इज द रिस्क ऑफ इंटरवेंशन बाय लीगल अथॉरिटीज इन द ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट वन इज पॉलिटिकल या कंट्री रिस्क। दो कंट्रीज के बीच में दिक्कतें पैदा हो गई, वॉर की सिचुएशंस अराइजेस हो गई, इलेक्शंस आ गए, या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बैन कर दिया गया हो, ये सब कहलाती है पॉलिटिकल या कंट्री रिस्क। दीज रिस्क अराइजेस ड्यू टू डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शंस, आउटब्रेक ऑफ वॉर्स बिटवीन कंट्रीज, इम्पोजिशन ऑफ बैन ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बैन कर दिया गया हो। नेक्स्ट वन इज नॉन फाइनेंशियल रिस्क। हमने सबसे पहले फाइनेंशियल रिस्क पढ़ी, जिसमें मार्केट रिस्क, लीगल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, ये सब हमने देखा। अब हम पढ़ेंगे नॉन फाइनेंशियल रिस्क। तो नॉन फाइनेंशियल रिस्क ऐसा नहीं है कि बिजनेस को फाइनेंशियली अफेक्ट नहीं करती, पर नॉन फाइनेंशियल रिस्क वो होती है जो कि इमीडिएटली फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स नहीं लाती, इनके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स होते हैं। इस तरह की रिस्क जो कि अगर अभी जनरेट हुई तो अभी बिजनेस को फाइनेंशियली अफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन आगे फ्यूचर में उन रिस्क का फाइनेंशियल इम्पैक्ट जरूर होगा। तो दीज रिस्क डू नॉट हैव इमीडिएट फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स, पर इनका लेटर ऑन फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स होगा। क्या क्या टाइप्स हैं? फर्स्ट वन इज बिजनेस या इंडस्ट्री एंड सर्विस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होती है? बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स और लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज लाइक चेंजेस इन टेस्ट, प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स, स्ट्राइक्स, कॉम्पिटिशन, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, ऑब्सोलिसेंस एटसेट्रा। तो अगर मार्केट में कंज्यूमर्स के प्रेफरेंसेस चेंज हो जाते हैं, उनके टेस्ट चेंज हो जाते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स डिमांड्स चेंज हो जाती हैं, या अगर स्ट्राइक्स हो जाती है मार्केट में, या कॉम्पिटिटर की वजह से कोई रिस्क जनरेट हो जाती है, या गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंजेस हो जाते हैं, ये सब कहलाते हैं बिजनेस रिस्क। ये बिजनेस को इमीडिएट फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स नहीं प्रोवाइड करेंगे, पर लेटर ऑन फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स जनरेट होंगे। नेक्स्ट रिस्क इज स्ट्रेटेजिक रिस्क। बिजनेस की स्ट्रेटेजी में ही पिटफॉल्स आना, स्ट्रेटेजी या तो बनाई नहीं, या बनाई तो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हुई, और इम्प्लीमेंट की तो उसे प्रॉपर मैनेज या कंट्रोल या मॉनिटर नहीं किया, तो इससे क्या होती है? स्ट्रेटेजिक रिस्क जनरेट होती है। स्ट्रेटेजिक रिस्क अराइजेज ड्यू टू अनसक्सेसफुल बिजनेस प्लान्स, बिजनेस के प्लान्स ही सक्सेसफुल नहीं हुए, पुअर बिजनेस डिसीजंस, बिजनेस को जो बिजनेस डिसीजंस है
उन्हें ठीक तरीके से नहीं लिया गया, इन एडिक्वेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, इन एडिक्वेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लिए गए उन्हें एडिक्वेटली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, तो इससे क्या जनरेट होगी, स्ट्रेटेजिक रिस्क। नेक्स्ट इज कॉम्प्लायंस रिस्क। कॉम्प्लायंस रिस्क क्या, हमारे ऊपर कोई लॉज और रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं और उनका हमने कंप्लायन नहीं किया, उनका नॉन कंप्लायंस किया, उसकी वजह से जो पेनल्टीज हमारे ऊपर अप्लाई होंगी, हमारी इमेज जो खराब होगी, वो सब कहलाती है कंप्लायंस रिस्क। तो अराइजेस ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज और रेगुलेशंस विच मे रिजल्ट टू डिटेरियोरेशन और टू पब्लिक रेपुटेशन एंड पेनल्टी। तो इससे क्या होगा, हमारी पब्लिक रेपुटेशन खराब होगी और पेनल्टीज लेवाई होंगी बिजनेस के ऊपर। नेक्स्ट नॉन फाइनेंशियल रिस्क इज फ्रॉड रिस्क। हो सकता है कंपनी में कोई फ्रॉड करता हो, कंपनी का ही कोई बंदा या कोई बाहर का बंदा कंपनी में फ्रॉड हो रहे हैं, कंपनी को पता नहीं चल रहा। फ्रॉड किस वजह से होते हैं, ड्यू टू डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल्स या इन एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स या फिर अनएथिकल प्रैक्टिसेस की वजह से कंपनी में फ्रॉड होते हैं। दीज रिस्क अराइजेस ड्यू टू इन एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल्स एंड एथिकल प्रैक्टिसेस। ऑफन द मोस्ट ट्रस्टेड एम्प्लॉइज अटेम्प्ट टू डू दिस। कई बार हमारे जो मोस्ट ट्रस्टेड एम्प्लॉइज होते हैं वही फ्रॉड कर जाते हैं। नेक्स्ट रिस्क इज रेप्यूटेशन रिस्क। रेप्यूटेशन रिस्क क्या होती है, रिस्क ऑफ नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन विच मे अराइज ड्यू टू नॉन कंप्लायंस एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस। अगर कोई कंपनी लॉ और रेगुलेशंस के प्रॉपरली कंप्लायंस नहीं करती और अनएथिकल प्रैक्टिसेस में एंगेज है, इन्वॉल्व है, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक नेगेटिव पब्लिक इमेज जनरेट होगी। पब्लिक अपने माइंड में बिजनेस के लिए नेगेटिव ओपिनियन जनरेट करेंगे और उससे कंपनी की रेपुटेशन खराब होगी। तो ये क्या कहलाती है, रेपुटेशन रिस्क। इससे अभी फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स नहीं होंगे, इमीडिएट फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स नहीं होंगे, लेकिन लेटर ऑन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा अगर कंपनी की रेपुटेशन या पब्लिक ओपिनियन खराब हो गई। नेक्स्ट रिस्क इज ट्रांजेक्शन रिस्क। ट्रांजेक्शन रिस्क किस लिए अराइज होती है, हम ट्रांजेक्शन ही नहीं कर पा रहे, कंपनी ट्रांजेक्शन में एंटर ही नहीं हो पा रही, किस वजह से, या तो फेलियर इन इंटरनल सिस्टम की वजह से, या इंफॉर्मेशन चैनल की वजह से, या फिर एम्प्लॉई इंटीग्रिटी की वजह से। तो ट्रांजेक्शन रिस्क अराइज ड्यू टू फेलियर ऑफ इंटरनल सिस्टम, फेलियर ऑफ इंफॉर्मेशन चैनल्स, या फिर एम्प्लॉई इंटीग्रिटी। नेक्स्ट रिस्क इज डिजास्टर रिस्क। डिजास्टर, हम सब कुछ अच्छा चल रहा है, कंपनी एथिकल प्रैक्टिस कर रही है, लेकिन डिजास्टर अराइज हो गए, फ्लड्स आ गई, अर्थक्वेक्स, लैंड एस्केलेशंस, हमारी एसेट्स खराब हो गई, लोकेलिटी सोसाइटी को नुकसान हो गया, तो ये क्या कहलाती है, सारी डिजास्टर रिस्क। अराइजेस ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, लैंड एस्केलेशन एटसेट्रा। तो नॉन फाइनेंशियल रिस्क टोटल में हमने कितनी पढ़ी, 7 नॉन फाइनेंशियल रिस्क। इनको किस तरह से हम याद रखेंगे, इनको हम याद रखने के लिए एक मेमोरी टेक्निक बनाइए, क्या है, राखीज बॉयफ्रेंड इज डायरेक्टर एट टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। TCS का नाम सभी जानते हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एक बड़ी कंसल्टेंसी फर्म है। तो राखी का बॉयफ्रेंड क्या है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में एक डायरेक्टर है। R स्टैंड्स फॉर रेपुटेशन रिस्क, B स्टैंड्स फॉर बिजनेस या इंडस्ट्री रिस्क, F स्टैंड्स फॉर फ्रॉड रिस्क, डिजास्टर रिस्क, T स्टैंड्स फॉर ट्रांजेक्शन रिस्क, C स्टैंड्स फॉर कंप्लायंस रिस्क एंड S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेटेजिक रिस्क। मेमोरी टेक्निक्स को आप 2-3 बार मेमोराइज जरूर करें ताकि एग्जाम में क्लिक हो, हिट करें। मेमोरी टेक्निक्स हम रटने के लिए नहीं बनाते, लेकिन क्या होता है कि एक थ्योरी सब्जेक्ट है, कई सारे पॉइंट्स होते हैं, हम उनको समझ जरूर लें, लेकिन फिर भी कई बार पॉइंट्स माइंड से स्लिप हो जाते हैं। तो सिर्फ पॉइंट्स अगर एक बार दिमाग में आ जाए तो उसके बाद हमने उसे समझा हुआ है, उसके बाद हम एग्जाम में लिख सकते हैं। तो पॉइंट्स याद रखने के लिए मेमोरी टेक्निक्स बनाई जाती है, इन्हें आप जरूर याद रखें। अगर टू द पॉइंट आंसर याद होगा, टू द पॉइंट आंसर याद होगा, तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस नहीं होंगे। थ्योरी में मार्क्स इसीलिए कटते हैं क्योंकि हम पॉइंट कुछ और होता है और हम कुछ और नाम लिख जाते हैं, आधा नंबर जरूर मिलता है पर पूरे मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है। तो मेमोरी टेक्निक याद रखना, क्या है हमारी मेमोरी टेक्निक, नॉन फाइनेंशियल रिस्क के लिए, राखीज बॉयफ्रेंड इज डायरेक्टर एट टाटा कंसल्टेंसी
सर्विसेज। और अगर आपको हमारी मेमोरी टेक्निक्स अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि हम मोटिवेट हों और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें आपके लिए। अभी हम एथिक्स, गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी के पीछे पड़े हुए हैं, कोशिश करेंगे अदर सब्जेक्ट्स को भी उठाने की। अगर एग्ज़ाम से पहले टाइम बचता है और हम दे पाते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जब भी अपलोड करें वीडियोस या इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अदर सब्जेक्ट्स या अदर टॉपिक्स तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होते हैं? रिस्क मैनेजमेंट को हमने पहले समझ चुके, उसी को हम दोबारा रीड आउट कर लेते हैं। वही होता है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क एरियाज, इवेल्युएटिंग देयर पॉसिबल इम्पैक्ट्स। मतलब एक बिजनेस के लिए क्या क्या रिस्क एरियाज है उन्हें आइडेंटिफाई करना, उनके बिजनेस के ऊपर क्या क्या पॉसिबल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं उन्हें इवेल्युएट करना, डेवलपिंग रिस्क मिटिगेशन टेक्निक्स, रिस्क को किस तरह से मिटिगेट किया जाए उन टेक्निक्स को डेवलप करना, टू एंश्योर दैट ऑल फोर्सिएबल रिस्क आर एक्चुअली अंडरस्टूड एंड असेस्ड। इस बात को एंश्योर करना कि जो भी पॉसिबल, जो भी फोर्सिएबल रिस्क हैं वो हमने रीड आउट कर ली, उसे हम समझ चुके, उसे असेस कर लिया, कहीं कोई रिस्क असेस करना बाकी ना रह जाए, और रिस्क जो हम टेक्निक्स डेवलप कर रहे हैं उसमें सभी तरह के रिस्क कंसिडर कर ली गई हो, ये इंश्योर करना। एंड लास्ट, टू एंश्योर दैट द सेम डू नॉट एमर्ज इन फ्यूचर। तो ये कहलाते हैं हमारे रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। रिस्क मैनेजमेंट के क्या क्या एडवांटेज होंगे, अगर हम प्रॉपर रिस्क मैनेज करेंगे तो हमें क्या क्या एडवांटेज होंगे बिजनेस में, पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग एंड प्रिवेंट्स वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। ऑब्वियसली अगर रिस्क नहीं होगी तो कंपनी में फ्रॉड्स नहीं होंगे, कंपनी में नुकसान नहीं होंगे, नुकसान नहीं होंगे तो कंपनी की वेस्टेजेस बचेंगी, कंपनी के टाइम और एफर्ट्स बचेंगे उन रिस्क को मिटिगेट करने में। अगर रिस्क पहले से अगर मैनेज कर ली जाए तो बाद में उसके नुकसान नहीं होंगे, और उन्हें मिटिगेट करने के लिए अब रिस्क हो गई, लॉसेस हो गए, तो उन लॉसेस को दोबारा सेटअप करने के लिए जो एक्स्ट्रा टाइम और एफर्ट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे वो नहीं देने होंगे, और इससे कंपनी की अल्टीमेटली कॉस्ट में सेविंग होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लान एंड प्रिपेयर फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। जो भी अपॉर्चुनिटीज या थ्रेट्स कंपनी के पास आने वाली हैं उनको पहले से हम प्लान कर लें, और अपॉर्चुनिटीज हों तो उन्हें गैदर कर लें, और थ्रेट्स अगर हों तो उनकी पहले से प्रिपरेशन कर लें। रिस्क मैनेजमेंट के ये एडवांटेजेस होते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है? इम्प्रूव्ड रिलायबिलिटी एमंग द स्टेक होल्डर्स लीडिंग टू एनहांस्ड रेप्यूटेशन। अगर रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर होगा तो स्टेक होल्डर्स की रिलायबिलिटी बढ़ेगी, और इससे क्या होगा, कंपनी की रेपुटेशन बढ़ेगी। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है? रिस्क मैनेजमेंट फेवर्स इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम्स रादर टू रेजिस्ट अगेंस्ट देम। देखो जब भी ऑडिट प्रोग्राम कंपनी में डिप्लॉय किया जाता है, जब भी कंपनी इंटरनल ऑडिट या ऑडिट करवाती है, तो जनरली कंपनी के जो स्टाफ है वो उसको अपोज करेगा, उससे क्या होगा, कंपनी की गलतियां सामने आएगी तो वो लोग रेजिस्ट करते हैं। पर अगर रिस्क मैनेजमेंट होगा तो रिस्क मैनेजमेंट हमेशा क्या करेगा, इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम को फेवर करेगा, ना कि उसे रेजिस्ट करेगा। और लास्ट एडवांटेज क्या है रिस्क मैनेजमेंट का? लिमिटिंग लीगल एक्शन और प्रिवेंट ब्रेकेजेस रिड्यूसिंग कॉस्ट। अगर हम प्रॉपरली रिस्क मैनेज करेंगे तो कंपनी की कंप्लायंस रिस्क भी मैनेज होगी। अगर कंप्लायंस रिस्क मैनेज होगी, कंपनी नॉन कंप्लायंट नहीं होगी लीगल रूल्स और रेगुलेशंस के लिए, तो उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं ली जाएगी, और कंपनी के ब्रेकेजेस, अगर हम रिस्क को मैनेज करेंगे, हम सोचेंगे हमारी जो मशीन मैकेनिक जो हमारी मशीनरी है, जो हमारे प्लांट और इक्विपमेंट है, उससे रिलेटेड क्या रिस्क, हमारे ऑपरेशनल रिस्क क्या हो सकती है, पहले से अगर मैनेज करके चले तो उनमें ब्रेकेजेस जो होंगे उन्हें मिनिमाइज किया जा सकता है, और अल्टीमेटली कंपनी की कॉस्ट रिड्यूस की जा सकती है। तो ये हमने रिस्क मैनेजमेंट के एडवांटेजेस देखें। अब हम देखते हैं रिस्क मैनेजमेंट के स्टेप्स क्या क्या हैं। देखो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, स्टेप्स इन रिस्क मैनेजमेंट, कहीं ना कहीं ये सब सेम लगेगी लेकिन आपको पढ़ना जरूर है। तो रिस्क मैनेजमेंट के स्टेप्स क्या क्या हैं? सबसे पहला वही आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क। रिस्क कहाँ से जनरेट हो रही है, हमारे बिजनेस को रिस्क
आ कहां से रही है उसके ओरिजिन को, उसके सोर्स को पता करो। ओरिजिन ऑफ द रिस्क इज आइडेंटिफाई या सोर्स ऑफ रिस्क इज आइडेंटिफाइड। उसके बाद असेसमेंट ऑफ रिस्क क्या बोलता है, अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फेसेस वेरियस थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटीज दैट इम्पैक्ट द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। कई थ्रेट्स और वल्नरेबिलिटीज फेस करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो कि बिजनेस के ऑपरेशंस को इम्पैक्ट करते हैं। हैंस असेसमेंट ऑफ दीज थ्रेट्स वल्नरेबिलिटीज इज द ओनली वे टू अंडरस्टैंड देयर इम्पैक्ट। तो हमने क्या पढ़ रहे हैं, हम सेकेंड जो स्टेप है हमारी, सेकेंड स्टेप क्या है, असेसमेंट ऑफ रिस्क। तो रिस्क क्या है हमारी, वल्नरेबिलिटीज और थ्रेट्स जो कि आने वाले हैं, तो उनको असेसमेंट हम करेंगे तभी हम जो बिजनेस में इम्पैक्ट होने वाले हैं उनके, उसे हम समझ पाएंगे। अगर हम असेस नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा किन किन एरियाज को ये थ्रेट्स और वल्नरेबिलिटीज अफेक्ट करेंगे और अल्टीमेटली हमें नुकसान होना ही होना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग द रिस्क। रिस्क को एनालाइज और इवेल्युएट करना। देखो अभी हमने क्या समझा, रिस्क को असेस करना कि किन किन एरियाज को अफेक्ट करेगी, और है ना, अब हम देखेंगे इवेल्युएट करना कि कितना अफेक्ट करेगी। लेवल ऑफ रिस्क एंड इट्स नेचर इज इवेल्युएटेड। रिस्क कैसी है और कितनी सिग्निफिकेंट है, उसके लेवल को असेस करना, इवेल्युएट करना। थोरो एग्जामिनेशन ऑफ रिस्क सोर्सेज, रिस्क के सोर्सेज को थोरोली एग्जामिन करना। देयर कॉन्सिक्वेंसेज एंड असेसमेंट ऑफ कंट्रोल्स एंड प्रोसेसेस दैट मिनिमाइज नेगेटिव रिस्क एंड एनहांस पॉजिटिव रिस्क। एनहांस पॉजिटिव रिस्क। तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली हमें जब ये पता चल जाएगा कि रिस्क कितनी सिग्निफिकेंट है तो हम प्रोसीजर्स और कंट्रोल्स अप्लाई कर सकते हैं, प्रोसीजर्स और कंट्रोल्स असेस कर सकते हैं, रिस्क को मिनिमाइज कर, नेगेटिव रिस्क को मिनिमाइज करना और पॉजिटिव रिस्क को एनहांस करने के लिए। और लास्ट स्टेप क्या है, हैंडलिंग द रिस्क। हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क देखा, उसके बाद हमने असेसमेंट किया रिस्क का, उसके बाद हमने रिस्क को एनालाइज और इवेल्युएट करा, और लास्ट स्टेप क्या है, रिस्क मैनेजमेंट की, हैंडलिंग द रिस्क। रेस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटेड टू रिस्क शुड बी एलोकेटेड। रिस्क को हम किस तरह से हैंडल करेंगे, प्रॉपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज को एलोकेट करें कि भाई आपकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, इन एरियाज में अगर रिस्क जनरेट होती है तो इन पर्टिकुलर बंदों की रेस्पॉन्सिबिलिटीज बनेगी। रिस्क को एलोकेट करना, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्ट्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड ऑफ ऑल एंटिसिपेटेड रिस्क एंड दोज आर ऑलरेडी फेस्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। जो रिस्क हमने एंटिसिपेट करी या ऑर्गेनाइजेशन जिन रिस्क को ऑलरेडी फेस कर चुका, उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना और रिपोर्ट्स जनरेट करना, अगर ये सब होगा तो हम रिस्क को प्रॉपरली हैंडल कर पाएंगे। तो हमने क्या पढ़ा, रिस्क मैनेजमेंट की स्टेप्स देखी। इसके बाद हम देखते हैं रिस्क मे बी हैंडल्ड इन फॉलोइंग वेज। देखो रिस्क को हैंडल करने का मतलब यही नहीं होता कि सिर्फ रिस्क को कम करना, रिस्क को खत्म करना। रिस्क हैंडल करना कुल मिला के जो बिजनेस रिस्क फेस कर रहा है उसे हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। हम रिस्क को सिर्फ खत्म ही ना करें या रिस्क के लिए प्रोसीजर्स ही ना लगाएं। हो सकता है हम रिस्क इतनी सिग्निफिकेंट ना हो जो कि हमारे बिजनेस को अफेक्ट करे, तो हम उसे कंज्यूम कर सकते हैं रिस्क को, इसे कहते हैं रिस्क रिटेंशन या एब्जॉर्प्शन। या हो सकता है रिस्क इतनी सिग्निफिकेंट ना हो तो हम उसको अवॉइड कर दें। तो कुल मिलाकर के रिस्क को किन किन तरीके से हैंडल किया जा सकता है उसे हम पढ़ते हैं। सबसे पहला तरीका है रिस्क अवॉइडेंस। रिस्क को हैंडल किस तरह से करें, रिस्क को अवॉइड ही कर दें। क्या किया यहां पर, रिस्क को हैंडल कैसे किया, रिस्क को अवॉइड करते हैं, मींस अवॉइडिंग द इम्पैक्ट्स ऑफ रिस्क। लेट इट हैपन, विल सी आफ्टरवर्ड। क्या मतलब हुआ इसका, कि जो भी होता है होने दो, हम आगे देखेंगे। मतलब एक इनएक्टिव अप्रोच टू द रिस्क, रिस्क आ रही है आने दो, हम जो भी होगा बाद में देख लेंगे। कुल मिला के क्या है, अगर मैनेजमेंट नहीं चाहता एडिशनल एफर्ट्स प्रोवाइड करना, मैनेजमेंट नहीं चाहता नॉन रिस्की या लेस रिस्की प्रोजेक्ट्स में जाना, मैनेजमेंट सिर्फ रिस्की प्रोजेक्ट्स में जाएगा और जो रिस्क आएगी उसे इग्नोर करना, अवॉइड करना, ये कहलाता है रिस्क अवॉइडेंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिस्क रिटेंशन या एब्जॉर्प्शन। देखो हो सकता है रिस्क इतनी सिग्निफिकेंट ना हो जिसको हम मैनेज करने में कई ज्यादा कॉस्ट या प्रोसीजर्स अप्लाई कर दें। मान लेते हैं
कोई रिस्क हमें जब बिजनेस को अफेक्ट करेगी तो रिस्क हमें 100 रुपए से अफेक्ट करती है, हमारे बिजनेस को कितना नुकसान होगा 100 रुपए, लेकिन उस रिस्क को मैनेज करने में हमने 1000 रुपए खर्च कर दिए तो कोई फायदा नहीं ऐसी रिस्क को मैनेज करने का। उस रिस्क को हम क्या करें, रिटेन करें, हम उस रिस्क को बिजनेस में एब्जॉर्ब करें, कंज्यूम करें, तो ये कहलाता है रिस्क रिटेंशन या एब्जॉर्प्शन। मीन्स एब्जॉर्बिंग द रिस्क इंटरनली ड्यू टू द हायर कॉस्ट ऑफ अवॉइडेंस देन द वैल्यू ऑफ रिस्क अवॉइडेड। रिस्क को इंटरनली एब्जॉर्ब करना किस वजह से, क्योंकि अवॉइडेंस की कॉस्ट हायर है देन द वैल्यू ऑफ रिस्क अवॉइडेड। इन अदर वर्ड्स इट मे बी टू एक्सपेंसिव टू कवर द रिस्क एंड मोर बेनिफिशियल टू रिटेन रादर टू अवॉइड। ज्यादा फायदेमंद क्या है उस रिस्क को रिटेन करना बजाय कि उसे अवॉइड करना। तो टाइप्स ऑफ रिटेंशन मेथड्स क्या है, एक्टिव रिस्क रिटेंशन या पैसिव रिस्क रिटेंशन। हमने जानबूझ के रिस्क को रिटेन किया, जानबूझ के रिस्क को एब्जॉर्ब किया, वो गया एक्टिव रिस्क रिटेंशन। और गलती से हम नहीं चाहते थे इस रिस्क को रिटेन करना, पर वो रिस्क रिटेन हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, वो कहलाता है पैसिव रिस्क रिटेंशन। तो एक्टिव रिस्क रिटेंशन को पढ़ते हैं, इंटेंशनली रिटेन्ड स्ट्रेटेजिकली आफ्टर इवेल्युएशन ऑफ पॉसिबल लॉसेज एंड कॉजेज। हमने सारे पॉसिबल लॉसेज और कॉजेज को इवेल्युएट करा, स्ट्रेटेजीज बनाई और इंटरनली रिस्क को रिटेन किया। और अगर रिस्क रिटेन्ड थ्रू नेग्लिजेंस ड्यू टू नॉन अवेयरनेस ऑफ रिस्क तो वो क्या कहलाएगा, पैसिव रिस्क रिटेंशन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रिस्क रिडक्शन। कुल मिला के रिस्क को रिड्यूस करना, लॉसेस को प्रिवेंट करना, इस तरह से हम रिस्क को हैंडल कर सकते हैं। मींस प्रिवेंशन ऑफ लॉस और रिड्यूसिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस, जो लॉसेस हो रहे हैं उन्हें कम करना, उनकी प्रोबेबिलिटी को कम करना। रिस्क रिडक्शन मेजर्स शुड बी अंडरटेकन एट द प्लानिंग स्टेज ऑफ एनी न्यू प्रोजेक्ट वेयर लिटिल और नो एक्स्ट्रा कॉस्ट इज इनकर्ड फॉर रिस्क रिडक्शन। क्या बोल रहा है, रिस्क रिडक्शन मेजर्स शुड बी अंडरटेकन एट द प्लानिंग स्टेज। जो रिस्क को रिड्यूस कब करना चाहिए, प्लानिंग स्टेज पे, जब हम प्रोसीजर्स बना रहे हैं, बिजनेस प्लानिंग कर रहे हैं, उसी वक्त अगर रिस्क रिडक्शन प्रोसेस भी इन्वॉल्व कर दिए तो बाद में रिस्क अराइज नहीं होगी। पहले से अगर मैनेज करके चलेंगे तो बाद में जो भी पॉसिबल इम्पैक्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे, रिस्क कम हो जाएगी। इसलिए बेटर क्या है, इनको रिस्क को प्लानिंग स्टेज में ही, कोई अगर जब न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी प्लानिंग स्टेज में ही रिस्क को एडप्ट करना, रिस्क को वहीं पर कंसिडर करना, ताकि बाद में एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं जनरेट हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है रिस्क हैंडल करने का, रिस्क ट्रांसफर। देखो, हम रिस्क को एज्यूम किया, रिस्क को अवॉइड किया, रिस्क को रिड्यूस करा, अब हम क्या कर रहे हैं, रिस्क को ट्रांसफर कर रहे हैं। मतलब मेरी रिस्क किसी और को ट्रांसफर करना, कैसे की जा सकती है, बाय इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर एक मेजर रिस्क या किसी पर्टिकुलर एक पर्सन के ऊपर की रिस्क को सभी लोग मिलकर के शेयर करते हैं, कैसे, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करके। तो अगर मैंने इंश्योर करा ली मेरी रिस्क तो क्या होगा, मैंने रिस्क को शेयर कर लिया, मैंने रिस्क को ट्रांसफर कर दिया और इस तरह से मैंने रिस्क को हैंडल किया। रिस्क ट्रांसफर मींस लीगल असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सर्टेन लॉसेस टू अनदर। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने इलीगल तरीके से रिस्क को ट्रांसफर करा, मेरे ऊपर कोई खर्चा आने वाला है, मेरे ऊपर कोई नुकसान आने वाला है और मैं किसी और को ट्रांसफर कर दूं इलीगल तरीके से, नहीं। रिस्क ट्रांसफर मतलब लीगल तरीके से रिस्क को किसी और के ऊपर ट्रांसफर करना, या जो हमारी कॉस्ट है, जो हमारे लॉसेज हैं, उसको किसी और के ऊपर ट्रांसफर करना। जैसे कि इंश्योरेंस ऑफ रिस्क इज द मेन मेथड ऑफ रिस्क ट्रांसफर, हम पढ़ चुके या बता चुके। इंश्योरेंस डज नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑल लॉसेस बट एट लीस्ट एनी पार्ट ऑफ द लॉस। और इंश्योरेंस जो है पूरी रिस्क तो कवर नहीं करता, लेकिन एटलीस्ट सम पार्ट ऑफ रिस्क इज इंश्योर्ड एंड कवर्ड बाय इंश्योरेंस। इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है रिस्क हैंडल करने का, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट डिसीजंस। रिस्क को किस तरह से हैंडल करें, जो रिस्क मैनेजमेंट डिसीजंस लिए गए, जो रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाई गई, उन्हें इम्प्लीमेंट करके। रिस्क मैनेजमेंट डिसीजंस आर टेकन बाय रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट एंड दे आर टू बी अधेयर्ड बाय ऑपरेशनल स्टाफ। रिस्क मैनेजमेंट डिसीजन कौन लेता है, रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट लेता है, और उन्हें अधेरेंस करने की
रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हें कंप्लाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ऑपरेशनल स्टाफ की। रिस्क मैनेजमेंट इज अ कमिटमेंट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट, और रिस्क मैनेजमेंट किसकी कमिटमेंट होती है? टॉप मैनेजमेंट की। रिस्क को हमने मैनेज किया, हम करेंगे, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या कमिटमेंट होता है? टॉप मैनेजमेंट का। रिस्क मैनेजमेंट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड सो दैट द रिस्क कैन बी हैंडल्ड फ्रॉम द अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड। रिस्क मैनेजमेंट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड, जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीजर्स या पॉलिसीज टॉप मैनेजमेंट ने बनाए उन्हें इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि रिस्क को प्रॉपरली हैंडल किया जाए और उससे जो अपॉर्चुनिटीज जनरेट की जाए उन्हें उन्हें गैदर करना, कैपिटलाइज करना। तो ये हमने 5 रिस्क हैंडलिंग टेक्निक्स देखी, हम रिस्क को किस तरह से हैंडल करते हैं। लास्ट हमने बोला इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट डिसीजन। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट डिसीजन के लिए एक स्टैंडर्ड इशू किया गया। किसने इशू करा? ISO ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसने क्या किया? एक स्टैंडर्ड इशू करा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। तो पढ़ते हैं क्या बोलता है। स्टैंडर्ड ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन दैट इज ISO, ये क्या है? इज अ वर्ल्ड वाइड फेडरेशन ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड बॉडीज। ये नेशनल जो स्टैंडर्ड बॉडीज होती हैं, जो नेशनल स्टैंडर्ड्स बनाती हैं बॉडीज, उनका एक फेडरेशन है वर्ल्ड वाइड, मतलब ग्लोबली। ISO प्रिपेयर्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स थ्रू ISO टेक्निकल कमिटीज। और ये जो है स्टैंडर्ड्स किस तरह से बनाते हैं? इनकी टेक्निकल कमिटीज के थ्रू। तो ये हमने ISO का इंट्रोडक्शन देखा, अब हम देखते हैं इसने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर कौन सा स्टैंडर्ड दिया। तो इन्हें स्टैंडर्ड दिया ISO 31000, और इसे कब इशू किया गया? 2009 में। तो क्या बोलता है ये स्टैंडर्ड? ये स्टैंडर्ड प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। तो पढ़ते हैं, ISO 31000 प्रोवाइड्स गाइडेंस टू ऑल ऑपरेशंस कंसर्न्ड विद रिस्क मैनेजमेंट एंड हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस इन फॉलोइंग वेज। तो ISO 31000 क्या करता है? रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस या प्रोसीजर्स रिलेटेड हैं उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए, क्या क्या पॉलिसीज होनी चाहिए और किन किन किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन होनी चाहिए। ये सब गाइडेंस कौन प्रोवाइड करता है? ISO 31000। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस को किस तरीके से हेल्प करता है? फर्स्ट वन इज एनकरेज प्रोएक्टिव मैनेजमेंट। प्रोएक्टिव मैनेजमेंट का मतलब होता है पहले से एक्टिव होना, क्या रिस्क होने वाली है उसे पहले से एनालाइज करना, हमारे कंपनी के पॉलिसीज और प्रोसीजर्स में उन्हें पहले से ही एज्यूम करना। तो इससे क्या होगा, आने वाली रिस्क को कम किया जा सके। तो ISO 31000 क्या करता है? एनकरेज करता है प्रोएक्टिव मैनेजमेंट को। इम्प्रूव आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स आने वाली हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना। कंप्लाई विद रिलेवेंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, जो रिलेवेंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके कंप्लायंस को इम्प्रूव करना या उन्हें कंप्लाई करना। इम्प्रूव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को इम्प्रूव करना। गवर्नेंस को इम्प्रूव करना, स्टेक होल्डर्स के ट्रस्ट को इम्प्रूव करना। ये सब क्या है? ये सब हम पढ़ रहे हैं ISO 31000 ऑर्गेनाइजेशंस को किन मैनर में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूव कंट्रोल्स, कंट्रोल्स को इम्प्रूव करते हैं। इफेक्टिवली यूज रिसोर्सेज फॉर रिस्क ट्रीटमेंट, जो कंपनी के रिसोर्सेज हैं उन्हें रिस्क ट्रीटमेंट में इफेक्टिवली यूटिलाइज करना। इम्प्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ऑपरेशंस की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं। एनहांस हेल्थ एंड सेफ्टी, अगर 31000 ISO 31000 की गाइडेंस को रिस्क मैनेजमेंट ऑपरेशंस में कंसिडर किया गया तो उनसे ये सब फायदे होंगे, जैसे कि एनहांस हेल्थ एंड सेफ्टी, मिनिमाइज लॉसेज, एंड लास्ट वन इज इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग। ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग और नॉलेज है वो इम्प्रूव होगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट। फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट क्या बोलता है? देखो, सबसे पहले हम समझते हैं फ्रॉड क्या होता है। फ्रॉड क्या होता है?
किसी भी इंसान का या किसी भी इंडिविजुअल का कोई भी इंटेंशन, जब उसने किसी को एब्यूज करने के लिए इसकी खुद की किसी पोजीशन को एब्यूज करके सामने वाले के नुकसान के लिए कोई भी एक्ट या ओमिशन किया है या कोई कंसीलमेंट किया है, तो वो कहलाता है फ्रॉड। तो फ्रॉड अल्टीमेटली क्या होते हैं? ये इंटेंशनली एक्ट होते हैं या ओमिशन या कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स जिससे कि सामने वाले को नुकसान पहुंचे। तो पढ़ते हैं, फ्रॉड मीन्स एनी एक्ट ओमिशन और कंसीलमेंट, कंसीलमेंट मतलब छुपाना, ऑफ एनी फैक्ट और एब्यूज ऑफ एनी पोजिशन, किसी पोजिशन का गलत फायदा उठाना, कमिटेड बाय अ पर्सन विद इंटेंट टू डिसीव। तो कुल मिला के फ्रॉड क्या है? डिसीव मतलब धोखाधड़ी का इंटेंशन रखना, टू गेन अनड्यू एडवांटेज फ्रॉम और टू इंजर द इंटरेस्ट ऑफ एनी अदर पर्सन वेदर देयर इज एनी रॉन्गफुल गेन और लॉस। तो कुल मिलाकर के फ्रॉड क्या है? धोखाधड़ी करने का इंटेंशन रखना, इस तरह का कोई एक्ट या कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, अपनी पोजीशन को एब्यूज करना जिससे कि किसी को नुकसान हो और खुद को फायदा पहुंचे, तो ये कहलाता है फ्रॉड। डिफरेंट डेफिनेशंस आर प्रोवाइड्स फॉर फ्रॉड इन इंडियन पेनल कोड्स 1860, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द कंपनीज एक्ट 2013 एटसेट्रा। तो अलग अलग रेगुलेशंस ने फ्रॉड की अलग अलग डेफिनेशंस दी, कहीं ना कहीं मिलती जुलती। अ फ्रॉड इज यूजुअली नॉट डिटेक्टेड। देखो फ्रॉड क्या होता है? इंटेंशनली किया जाता है। कोई पर्सन जब फ्रॉड करता है तो पहले ही उसे छुपाने के प्रोसीजर्स अप्लाई करता है। फ्रॉड जब किया जाता है तो सबको बता के नहीं, छुपा के किया जाता है। तो उसने छुपा के किया है तो फ्रॉड को डिटेक्ट करना या फ्रॉड का डिटेक्शन यूजुअली बहुत मुश्किल होता है, जब तक कि इसे खोदा ना गया हो, जब तक कि इन्वेस्टिगेशन ना किया हो। अनलेस इट इज अनअर्थड, अनअर्थड मतलब जब तक इसे खदेड़ा ना गया हो, इसे खोदा ना गया हो, इसे इन्वेस्टिगेट ना किया गया हो। देयरफोर मैनेजमेंट शुड बी प्रोएक्टिव इन फ्रॉड रिलेटेड मैटर्स। इसलिए जो फ्रॉड रिलेटेड मैटर्स है उनमें मैनेजमेंट को क्या? प्रोएक्टिव होना चाहिए। मैनेजमेंट की अप्रोच कैसी होनी चाहिए? प्रोएक्टिव, पहले से ही एक्टिव होना, पहले से ही प्लान और प्रिपरेशन कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड विद द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम टू प्रमोट एन ओपन एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, एनकरेज एम्प्लॉई टू रिपोर्ट सस्पिशियस केसेस ऑफ फ्रॉड एंड प्रमोट जीरो टॉलरेंस टू फ्रॉड। क्या बोल रहे हैं? जो फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी है उसे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के साथ ही इनकॉर्पोरेट कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा? ओपन एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन बढ़ेगा। अगर ओपन और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होगा तो कंपनी में क्या क्या बातें हो रही है वो टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचेगी और फ्रॉड होने के चांसेस कम होंगे। एनकरेज एम्प्लॉई टू रिपोर्ट सस्पिशियस केसेस ऑफ फ्रॉड। अगर ओपन और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होगा तो किसी एम्प्लॉयज को अगर फ्रॉड के बारे में पता चलता है, सस्पिशियस केसेस ऑफ फ्रॉड के बारे में उसे इंफॉर्मेशन मिलती है, तो इजीली कम्युनिकेट कर पाएगा टॉप मैनेजमेंट को। एंड प्रमोट जीरो टॉलरेंस टू फ्रॉड, एक इस तरह का एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जनरेट होगा कि हम फ्रॉड को कतई बर्दाश्त ना करेंगे, जीरो टॉलरेंस या नो टॉलरेंस टू फ्रॉड। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? एनी फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी मे इंक्लूड। अब कोई भी जो रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी होगी, सॉरी जो भी फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी होगी उसमें क्या क्या हो सकता है, मतलब एक पॉलिसी किन किन बातों को इंक्लूड कर सकती है। सबसे पहला पॉइंट होगा डिफाइनिंग फ्रॉड। अगर कंपनी को या जो लोग कंपनी के स्टाफ या जो कंपनी से जुड़े हुए हैं उनको यही नहीं पता क्या क्या बातें फ्रॉड कहलाएगी और क्या क्या फ्रॉड नहीं कहलाएगी, तो वो गलती से अगर कभी फ्रॉड कर दें ऐसा हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले जरूरी ये है कि फ्रॉड को डिफाइन करना। लिस्टिंग आउट एक्टिविटीज विच द कंपनी वुड कंसिडर एज फ्रॉड्यूलेंट। कंपनी को क्या क्या चीजें फ्रॉड्यूलेंट लगती है उन्हें लिस्ट आउट करना, उन्हें डिफाइन करना। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? डिफाइनिंग रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करना। अगर रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइंड होंगी तो ये कंफ्यूजन अराइज नहीं होगा कि इस पर्टिकुलर एरिया का काम किसका है, किन रिस्क एरियाज को कौन मैनेजमेंट संभालेगा, किस किन ऑफिसर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये क्लियर हो जाएगा।
तो पॉलिसी मस्ट डिफाइन द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑफिसर्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट. अ कमिटी मे बी कॉन्स्टिट्यूटेड टू इंश्योर इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड. और एक कमिटी भी बनाई जा सकती है फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड. नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा एक पॉलिसी में, कम्युनिकेशन चैनल. एक जब भी फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बनाई जाएगी तो उसमें ये स्पेसिफाई होगा क्या कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए. अगर कम्युनिकेशन चैनल स्पेसिफाइड होगा तो उससे क्या होगा, एनकरेज एम्प्लॉइज टू रिपोर्ट सस्पिशियस केसेस ऑफ फ्रॉड थ्रू एफिशिएंट कम्युनिकेशन चैनल. अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल होगा तो एम्प्लॉइज इजीली जो भी फ्रॉड के सस्पिशियस केसेस हैं उन्हें टॉप मैनेजमेंट तक रिपोर्ट कर पाएंगे. डिसिप्लिनरी एक्शंस होनी चाहिए. जब भी फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बनाएंगे तो उसमें कुछ डिसिप्लिनरी एक्शंस मतलब पेनल प्रोविजंस या पनिशमेंट जरूर होने चाहिए. अगर कोई पर्सन फ्रॉड में इन्वॉल्व होता है तो उसके अगेंस्ट कुछ डिसिप्लिनरी एक्शंस ली जाएंगी, वो एक पॉलिसी में होना जरूरी है. पॉलिसी मे प्रोवाइड फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द फ्रॉडस्टर. एंड लास्ट वन इज रिव्यूइंग द पॉलिसी. कोई भी पॉलिसी आपने बनाई तब तक सक्सेसफुल नहीं होगी जब तक उसे एक पीरियोडिकल बेसिस पर रिव्यू नहीं किया जाएगा. तो पॉलिसी शुड बी रिव्यूड ऑन पीरियोडिकल बेसिस. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या बोलता है हमारा, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड अंडर कंपनीज एक्ट 2013. कंपनीज एक्ट 2013 फ्रॉड की रिपोर्टिंग के बारे में सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 इशू किया, जिसमें उसने जो भी कंपनी के ऑडिटर्स हैं, कंपनी के सेक्रेटेरियल ऑडिटर्स हैं, कंपनी के कॉस्ट ऑडिटर्स हैं, उनको ये स्पेसिफाई कर दिया कि अगर आपको फाइंड होता है ड्यूरिंग योर ऑपरेशंस, जब भी आप अपने ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई कर रहे हैं उस वक्त अगर आपको ऐसी फाइंडिंग्स मिलती हैं कि कंपनी के किसी ऑफिसर्स या एम्प्लॉइज ने फ्रॉड किया है तो उन्हें डायरेक्ट रिपोर्टिंग करना जरूरी है सेंट्रल गवर्नमेंट को. ये क्या बोलता है कंपनीज एक्ट का सेक्शन 143 सबसेक्शन 12, देखते हैं. सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 स्टेट्स दैट इफ एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज एज ऑडिटर हैज रीजंस टू बिलीव दैट एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड इज बीइंग कमिटेड. क्या बोल रहा है कि अगर कोई ऑडिटर जब उसकी जो ड्यूटीज है ऑडिटिंग की वो कर रहा है उस वक्त अगर उसे ऐसे रीजन टू बिलीव मतलब उसे विश्वास करने के ऐसे रीजंस मिल जाते हैं कि एक ऑफेंस किया गया इन्वॉल्विंग फ्रॉड मतलब किसी ने फ्रॉड किया गया इज बीइंग कमिटेड अगेंस्ट द कंपनी बाय ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी. अगर कंपनी के ऑफिसर्स या एम्प्लॉइज ने फ्रॉड किया और ऐसे उसके बिलीव्स मिलते हैं मतलब उसके हमें प्रॉपर एविडेंस मिलते हैं ऑडिटर को ऐसे लगते हैं, ही शेल इमीजिएटली रिपोर्ट द मैटर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन प्रेस्क्राइब्ड टाइम. और सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 के साथ जो रूल्स हैं वो टाइम प्रेस्क्राइब करते हैं कि कितने टाइम के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना जरूरी है. और सिर्फ ऑडिटर नहीं उसके साथ साथ स्टेचुटरी ऑडिटर के साथ साथ कॉस्ट ऑडिटर और सेक्रेटेरियल ऑडिटर के ऊपर भी ये सेक्शन अप्लाई होता है. दिस सेक्शन अप्लाइज टू स्टेचुटरी ऑडिटर्स कॉस्ट ऑडिटर्स एंड सेक्रेटेरियल ऑडिटर्स. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रेप्यूटेशन रिस्क मैनेजमेंट. देखो रेप्यूटेशन रिस्क क्या होती है हमने पढ़ा, अगर कंपनी नॉन कंप्लाइड है या कंपनी अनएथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो कर रही है तो इससे क्या होगा, कंपनी की रेप्यूटेशन खराब होगी, एक नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन जनरेट होगी और इससे कंपनी के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, कंपनी के जो भी रिलेटेड पार्टीज हैं उन सबके माइंड में कंपनी के लिए एक नेगेटिव परसेप्शन जनरेट होगी. तो इसका मैनेजमेंट बहुत जरूरी है. तो पढ़ते हैं रेप्यूटेशन रिस्क मैनेजमेंट को. रेप्यूटेशन रिस्क इज डिफाइंड बाय द आरबीआई एज द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम नेगेटिव परसेप्शन ऑन द पार्ट ऑफ कस्टमर्स शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स रेगुलेटर्स एंड अदर रिलेटेड पार्टीज. तो रेप्यूटेशन रिस्क किससे जनरेट होती है, नेगेटिव परसेप्शन इन सभी लोगों के माइंड में कंपनी या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. दैट कैन नेगेटिवली अफेक्ट अ बैंक्स एबिलिटी टू मेंटेन बिजनेस रिलेशनशिप्स. तो इसको डिफाइन किसने किया, रेप्यूटेशन रिस्क को डिफाइन किया आरबीआई ने. और आरबीआई ने जब इसकी डेफिनेशन दी तो वो बैंक्स के रिस्पेक्ट में बात करेगा. तो इनने क्या बोला,
ये क्या करेगी, दैट कैन नेगेटिवली अफेक्ट अ बैंक्स एबिलिटी टू मेंटेन बिजनेस रिलेशनशिप। और जब हम इसको बैंक नहीं एक जनरल सेंस में देखेंगे तो ऑब्वियसली किसी कंपनी के भी बिजनेस रिलेशंस को नेगेटिवली अफेक्ट करेगी रेपुटेशन रिस्क। तो इससे क्या क्या लॉसेज हो सकते हैं, तो लॉसेज ऑफ रेपुटेशन लीड्स फॉलोइंग डैमेजेस। क्या क्या डैमेजेस हो सकते हैं कंपनी को रेपुटेशन के लॉस की वजह से, कंपनी की ब्रांड वैल्यू डिस्ट्रॉय हो सकती है, कंपनी के शेयर की वैल्यू में डाउनफॉल आ सकता है, कंपनी के जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स हैं वो खराब हो सकते हैं, रियून हो सकते हैं, जो क्वालिफाइड एम्प्लॉयज या जो कंपनी का टेक्निकल स्टाफ है वो चला जाएगा और बाहर से क्वालिफाइड एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, रिटेंशन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ क्वालिफाइड एम्प्लॉयज बिकम्स डिफिकल्ट एटसेट्रा। तो ये सब क्या है, लॉस ऑफ रेपुटेशन के डैमेजेस एक कंपनी फेस कर सकती है। तो क्या क्या है, फॉलोइंग आर जनरली फॉलोड प्रिंसिपल्स फॉर मैनेजिंग द रेपुटेशन रिस्क। तो रेपुटेशन रिस्क को मैनेज करने के क्या जनरल प्रिंसिपल्स हैं उन्हें देखते हैं। इमेज बिल्डिंग थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर रेपुटेशन खराब हो गई तो वापस से रेपुटेशन बिल्डअप करना, इमेज बिल्डअप करना कैसे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू। क्या गलत रेपुटेशन गई है पब्लिक में, उसे हम सुधारें, कम्युनिकेट करें पब्लिक से, समझाएं कि जो वो लोग सोचते हैं वो गलत है, हम वैसा नहीं करते। अधेरेंस टू कॉरपोरेट वैल्यूज, नेगेटिव परसेप्शन क्यों बना, क्योंकि हम जो कॉरपोरेट वैल्यूज हैं, जो एथिकल प्रैक्टिसेस हैं, उन्हें कंप्लाई नहीं करते। तो अगर उन्हें कंप्लाई करेंगे, अधेयर करेंगे, तो रेपुटेशन कंपनी की वापस से बिल्डअप होगी। प्रमोटिंग कंप्लायंस कल्चर, रेपुटेशन रिस्क किस वजह से बढ़ती है, ड्यू टू नॉन कंप्लायंस। एक कंपनी लॉज और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती तो उसकी नेगेटिव परसेप्शन बन जाएगी, अगर कंप्लाई करेगी तो उसकी अगेन इमेज बिल्डअप होगी। कंसिडरिंग रिस्क वाइल बिजनेस स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, रिस्क जब आ जाती है तब उसे कंसिडर नहीं करना, जब बाद में रिस्क आ गई तब तो उसे हम खत्म करेंगे ही, लेकिन ऐसा नहीं करके जब कंपनी स्ट्रेटेजी बना रही है, जब कंपनी नई प्रोजेक्ट बना रही है, तो उसके स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन में ही, जब स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, जब पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाए जा रहे हैं, उसी वक्त रिस्क को कंसिडर कर लेना, ये एक बेटर तरीका है हमारी रेपुटेशन को सुधारने का। नेक्स्ट पॉइंट इज रेगुलर इंटरेक्शन एंड फीडबैक फ्रॉम स्टेक होल्डर्स। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ रेगुलर इंटरेक्ट करना, जो भी कंपनी के कस्टमर्स, कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट, रेगुलेटर्स या सप्लायर्स जो भी हैं, इन सभी के साथ एक रेगुलर बेसिस पर इंटरेक्ट करना, फीडबैक लेना, वो लोग कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या गलत इमेज बनी, और उन्हें सुधारना। नेक्स्ट इज कल्चरल अलाइनमेंट। कल्चरल अलाइनमेंट मतलब कल्चर के साथ अलाइन करना, कल्चरल एक्टिविटीज में, सोसाइटीज में एंगेज होना। स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल्स, कंपनी अपने इंटरनल कंट्रोल्स को स्ट्रॉन्ग करे कि कंपनी में कोई गलत बातें हो ही नहीं रहे, और अगर कहीं गलती से कंपनी कुछ गलत कर देती है तो इंटरनल कंट्रोल्स इतने अच्छे हों कि वो बाहर अनाउंस ना हो पाए, वो विसल ब्लोइंग ना हो पाए और कंपनी की रेपुटेशन खराब ना हो। एंड लास्ट वन इज कंपनी परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। कंपनी की परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम इवेल्युएट करना। मैनेजमेंट सोचता है वी आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, पर हो सकता है आपकी परफॉर्मेंस कंपेरेटिवली खराब हो, आपकी इमेज खराब बनती जा रही है और आप सोच रहे हैं हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो इसलिए आप क्या करो, टाइम टू टाइम एक पीरियोडिक बेसिस पर अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करो। इससे क्या होगा, अल्टीमेटली कंपनी की रेपुटेशन बिल्डअप होगी और कंपनी को रेपुटेशन रिस्क फेस नहीं करनी पड़ेगी। ओके, तो आज हम इस चैप्टर को यहीं पर रोकते हैं, अभी हमारा चैप्टर बाकी है, कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बाकी हैं, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।